अच्छा तो ये हमारे पास मोबाइल है, कौन सा मॉडल, कौन सा है? X612। सही है। इसके इसका मसला है सिग्नल नहीं आ रहा है, सही है। हमने सिम लगाया हुआ है, यहाँ पे सिम लगाया हुआ है और एंटीना भी इसका जम्पर हुआ है, लेकिन सिग्नल नहीं आ रहा है। यहाँ पे सिग्नल दिखाओ, ये इसके सिग्नल नहीं है, सही है। अच्छा, और इस फोन पे काम हुआ है, सिग्नल सेक्शन अभी हमारा खत्म हो गया, सही है, बहुत मेहनत से खत्म हुआ। समझ आया ना? यस सर। 100% आया ना? यस सर। एक एक आईसी बनाई ना? यस सर। अलग अलग एक एक पिन? यस सर। और सर वोल्टेज? यस सर। हाँ जी, सबके लिए इजी हो गया ना? यस सर। हाँ, किसी को कोई मसला तो नहीं होगा? नो सर। देखो ये फोन अभी हमारे पास आया है, चलो मैं भी टेस्ट लेता हूँ कि समझ आया कि नहीं, सही है। yes, इसमें आपको कोई स्टेप लिखवाई, आखिर में स्टेप लिखवाई। yes, पहले सारा जना आपको पढ़ा दिया, एक एक पिन पढ़ा दिया, उसके बाद जना कुछ टिक भी दिए, सही है, ट्रिक्स भी बताए, कितने? yes, चार पांच, कितने? 17 नहीं, ये तो स्टेप है। हाँ, मेथड पांच मेथड बताए। अच्छा, उसके बाद हमने इसके स्टेप लिखे, कितने स्टेप लिख लिए? 17 स्टेप, सही है। 17 स्टेप में इस तरह कोई स्टेप तो नहीं है कि पेट्रोल से वॉश करो स्टेप नंबर, लेट कर के हिट 304 पे रखो स्टेप, इस तरह नहीं है। चलो, इसके आप ही हम सबसे पहले क्या करने वाले, ये फोन हमारे पास है, सिग्नल का मस्त है, आप में से किसी स्टूडेंट का है? हाँ जी, सबसे पहले क्या करेंगे? आईमी इसका चेक किया है? जी सर। यस सर। चलो आईमी ये करे, इसका फोन है हमारे ईरान शाह भाई का, ये कर आईमी चेक किया है, स्टेप ना ये तो हो गया। उसके बाद बेसबैंड आईमी से भी चेक कर सकते हो, अंदर जाके भी चेक कर सकते हो। बेस, अच्छा जी, आईमी इसका क्या है? ओके है। बेसबैंड पे चेक करते हैं, बेसबैंड के लिए सिंपल सा सेटिंग में जाना है। अच्छा जी, नेटवर्क में जाना है, मोबाइल में जाना है, मोबाइल नेटवर्क, उसमें एंड्रॉइड पे जाना है। यस सर। अच्छा, मोबाइल नेटवर्क में कहा? अच्छा, एंड्रॉइड में जाना, अबाउट में जाना है, सॉरी, सेटिंग में जाना है, उसके बाद अबाउट में जाना है, अबाउट में कहा पे? एंड्रॉइड वर्जन पे, एंड्रॉइड वर्जन। ये देखो बेसबैंड सही है, बेसबैंड सही है, सही है, बेसबैंड ओके है, आईमी ओके है, उसके बाद दूसरा सेम चल रहा, तो सेम और भी ट्राई किया, चेक किया? जी सर। चलो सेम और भी चेक किया, हमारा अपना सिम है जो बिल्कुल ओके है। उसके बाद सेटिंग चेक करना, हाँ जी, सेटिंग एयरप्लेन मोड वगैरह इस पे नहीं है। हाँ जी, उसके बाद बैंक तब्दील करके चेक करेंगे, यहाँ पे जरा करीब से देखा, बैंक किस तरह तब्दील करेंगे? हाँ जी, साथ में बताओ, सेटिंग में गए, नेटवर्क सेटिंग में गए, मोबाइल नेटवर्क में गए, 2G से 3G कर ले जाते हैं, हाँ, यहाँ पे एडवांस में आ गए, ये 2G पे है तो इसको क्या कर लेंगे, या ऑटो पे कर लेंगे, सही है। 3G 4G पे ऑटो पे कर लेंगे, ये ऑटो पे कर लिया, सही है। अभी क्या करेंगे? वेट करेंगे, वेट कर लिया और ये क्या गए? सिग्नल आ गए, सही है, सिग्नल आ गए, तो मसला तो हल नहीं है। नो सर। लेकिन मालूम तो हुआ कि मसला सही है, कहाँ पे हमारा मसला है। चलो चेक कर ले, देखो टेलनार भी आ गया, सही है, काल में मिला के आपको दिखाते हैं। तो इससे हम क्या समझेंगे, मसला कहाँ पे है? 2G पीएन में हमारा क्या कोई ना कोई गड़बड़ा है, सही है। ये हेल्पलाइन भी कल हमने डायल की, इससे पहले सिग्नल पे एक वीडियो डाली है, वो लोगों ने उसपे बहुत अच्छी कमेंट की है और कह रहे कि सिग्नल सिग्नल को थोड़ा और वाजे करो। तो देखो हमने चार क्लासेस इस पे ली, चार क्लासेस, और कितना ज्यादा जो है ना मेहनत की, और 25 दिन आपके जो है ना वो पहले बुनियाद मजबूत की, उसके बाद 4 दिन लग गए। यूट्यूब पे जिनको बुनियाद भी नहीं याद तो वो कितने दिन में सीखेंगे, सही है। तो फिर भी हम कोशिश करते हैं, हेल्पलाइन भी क्या हो गई, चले गए, मतलब इसका क्या है, RF ओके है, 4G AC हमारा ओके है, CP ओके है, BMC वोल्टेज आ रहे हैं, मसला सिर्फ कहाँ पे है? 2G AC। दोबारा यहाँ पर करीब से दिखाओ, दोबारा मैं 2G पे इसको क्या कर लेता हूँ, कर लेता हूँ। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे मेथड है, हम कोड आपको दी ना, कोड से चेक कर सकते हो। चलो जी, इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेप आपको बता दिया, सही है। चलो जी, ये 70 स्टेप में अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, तो कोई फोन भी इंशाल्लाह से रिटर्न नहीं जाएगा। दोबारा मैं इसको 2G पे डाल लेता हूँ, देखो मोबाइल नेटवर्क पे आ गया, यहाँ से आ गए, ये ओनली 2G पे मैंने कर लिया, ओनली 2G मोड कर लिया, और सिग्नल क्या हो गए, चले गए, सही है, सिग्नल गायब हो गए। तो चलो अभी इसे
आपको जो है हर एक आईसी के एक एक पिन यहाँ आपके हाथों से जो है बना के बोर्ड पे मैंने लिखे हैं। तो अभी आप में से किसी एक को उठाते हैं कि वो इस पिन को क्या कर ले, रिपेयर। मसला तो इसका है, हम मैंने थोड़ा सा क्या कर लिया, आसान कर लिया, अभी हल आपने करना है। चलो जी, तो किसको उठाए? हाँ जी, सब कर सकते हो। यस सर। चलो जिसका सीट है उसे घोटा लेते, ये मशवरा बहुत अच्छा दिया, क्योंकि ये है, इसने ये अपने साथ ही लेके है, इससे अपना फोन इसी के हाथों से रिपेयर करेंगे तो हमें भी खुशी होगी। सही है, चलो आ जाओ ईरान शाह, आ जाओ यहाँ पे, मेरे लिए एक कुर्सी भी लेके आओ यहाँ। चलो मसला तो हमने आसान किया, आधा काम हमने किया, लेकिन अभी भी जो है इतना आसान केस नहीं है। सही है, क्योंकि इसने हमें इसका सब कुछ ठिकाना है, इसके जितने उल्टे हैं उस कहा काफी, मतलब मैं बताऊंगा नहीं, कहा काफी इसका मसला हो सकता है और कहा से ये हल करने वाला है। चलो नानशा यहाँ पे मेरा थोड़ा तशरीफ रखो, यहाँ पे बैठ जाओ। ये कौन आपका है जी? सर हमारा है। अपना कुछ तारुफ करो पहले। अच्छा जी, मैं पेशावर मतनी से आया हूँ, और मतनी में मेरा शॉप है। अच्छा, पूरा नाम? ईरान शाह मेरा नाम है जी। पूरा नाम ईरान शाह, माशाल्लाह। ये कस्टमर का फोन है? कस्टमर का फोन, कस्टमर। अच्छा, ये हमारे पास आया था तो हमने बहुत कोशिश की लेकिन रिपेयर नहीं। अच्छा, रिपेयर नहीं। और यहाँ पर जब आए हमने सिग्नल सेक्शन पढ़े और आज ही पढ़े, इंशाल्लाह हम इसको चेक करके खुद पे भरोसा है, इंशाल्लाह भरोसा तो इससे भी बड़ा कर सकते हो इंशाल्लाह। ये तो हमने थोड़ा सा ट्रेस किया, कर सकते हो इंशाल्लाह। इससे भी जो है ना सब मोबाइल हमने रिपेयर की ना सिग्नल सेक्शन में से, सही है? इससे भी खतरनाक खतरनाक मोबाइल हमने क्या कर लिया, चेक कर लिया, लेकिन हर एक वीडियो तो हम शेयर नहीं कर सकते। चलो जी, इस तरह करो ना, इसका पहले हमें 2G गोल्ड टैच बना लो। चलो, अगर मिसाल तौर थोड़ा सा हमारे सब्सक्राइबर के लिए और भी कर लो, अगर इसमें 2G की सिग्नल में फोन मिसाल तौर हमारे सिग्नल आ रहे हो, 2G में नहीं आ रहे हो, तो उसमें लोग क्या करेंगे और इसमें अभी क्या करने वाले हो, ये सारा सब हमारा अभी 2G में मसला है। हाँ, उसके लिए हम एक एक डायग्राम बना लो पहले, इनसे भी पूछ सकते हो। सही है, ये सारे माशाल्लाह भी उस्ताद है, दो दिन में सर्टिफिकेट ले लो। सबसे पहले हम वीबेट की सप्लाई चेक करेंगे कि इस पे आ रही है कि नहीं। वीबेट की सप्लाई हमारी पीएपी मिलती है ना? यस सर। आरएफ पे मिलती है? नो सर। वजह बताया ना? यस सर। 3.7 से लेकर 4.2 तक, 3.7 से 4.2 तक ये मिलने चाहिए। अगर ये नहीं मिलेगी तो हमारा 2G फिर भी ऑन नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या चेक कर सकते हैं? इसके अलावा दूसरा हम, हाँ, एक और वोल्टेज भी है, 1.8 की VDD VIO, VDD, PMU, VRF, सारे नाम पता है ना, मुख्तलिफ नाम से आ सकते हैं। PMU 1.8 होगा, सही है? इसके अलावा सर हमें, हाँ, अगर स्कीमेटिक्स में 1.1 दिखाया तो गलत होगा कि नहीं? यस सर, ये जो 1.8 मिलेगा, सही है? चलो, अगर ये ना मिले तो फिर भी हमारा ये मसला बन सकता है। ये अभी जो नो सर्विसेज पे आ रहा है, सही है? यही मसला, इमरजेंसी में कभी जाता है कभी नो सर्विस। चलो जी, हाँ जी, इसके अलावा आरएफपी डाटा और आरएफपी क्लॉक की लाइन चेक करेंगे। हाँ जी, डाटा और क्लॉक, और ये कौन सा डाटा क्लॉक होगा? आरएफएफपी का मतलब, हाँ जी, रेडियो रेडियो फ्रिक्वेंसी, तो हर जगह के प्रोटोकॉल आपको बताइए ना, और फुल फॉर्म वगैरह सब कुछ डायग्राम में लिखा है ना। चलो, तो इस पे अगर हम जीआर चेक करें तो किस तरह जीआर रहेगी डाटा क्लॉक पे? हाँ जी, सेम आएगी या मुख्तलिफ? अगर वोल्टेज चेक करेंगे तो वोल्टेज होगा, सही है? अगर वोल्टेज आई यहाँ पे क्लॉक की लाइन पे अगर ना है तो डीएसओ से चेक कर सकते हैं, सही है? ये तो हो गया हमारा 2G। अभी मसला हमारा 2G पीएम है तो हम किसी को चेक करेंगे। मिसाल तौर किसी का 2G में आ रहा है, 4G में नहीं आ रहे, तो क्या करेंगे? सेम वही तरह, बिल्कुल जबरदस्त। उसमें भी क्या 1.8 है और वीबेट, एक वोल्टेज उसमें ज्यादा है, कौन बताएगा? हाँ जी, 4G में APD, VPA, APD, सही है? उससे इसकी सिग्नल तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर वो लाइन शॉर्ट हो गया तो क्या नो सर्विस पे? और APD वाली सिग्नल कब बनती है आपको बताया है, किस टाइम बनेगी और किस तरह चेक कर सकते हैं। इस केस में हमारा WDR खराब हो सकता है, इस केस में जो इसमें क्योंकि सिग्नल आ रहे हैं, PM खराब हो सकते हैं और CPO? नो सर। सिंपल सा यहाँ पे काम करना है, सही है? इसका दर्द जो है ना इसी दाम पे, हमने ये दाम में काम करना है, बाकी को नहीं छेड़ना है। चलो जी, आ जाओ, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना लिया, इसके लिए तो तालियां हो जाएंगे, डायग्राम।
आ जाएगा आंसर। इसका डायग्राम खोल लो, स्कीमेटिक्स में कर ले हार्डवेयर में, आप बताओ। हाँ जी स्कीमेटिक्स में कर ले हार्डवेयर में। चलो पहले हार्डवेयर निकालो, नहीं हार्डवेयर निकालो ना, जो कष्ट जो हमारे स्टूडेंट को यूज करना नहीं आता ना, वो इतना तो पता चल जाएगा कि हार्डवेयर से मसला हल हो सकता है या नहीं, तकरीबन इतना तो पता चल जाएगा। एक डायग्राम बाकी है, ये भी क्लोज कर लो, वो एक बाकी है, इसको भी क्लोज कर लो, ताकि बिल्कुल नए सिरे से क्या हो जाए। अगर लाइट आ रही है इसमें तो आ रही है लाइट, नहीं आ रही है। चलो जी पहले हार्डवेयर सॉल्यूशन में ओपन करो, नीचे 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 स्मार्ट नीचे आ जाओ, नहीं सही है इस तरह नीचे आ जाओ, ये स्मार्ट क्या बनेगा नीचे आ जाओ, हाँ ये जो जो येलो मार्क किया है, हाँ जी इसको कर लो, इसमें कौन सा सेक्शन हो ओपन, नेटवर्क सेक्शन। चलो जी ऊपर ये हो गया नेटवर्क सेक्शन, सही है। इसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। कैमरा में लाइट आ रहा है क्या? चलो बंद कर लो, अभी सही हो गया। चलो अभी देखो इसमें उल्टा आ जाए, 2GP है हमारी, ये वाला हो गया, सही है। इसमें एंटीना की लाइन भी आती है, और इसमें ये वी बैट वाली, जरा फुल स्क्रीन कर लो इसको, फुल स्क्रीन कर लो वहां से, ये हो गया फुल स्क्रीन। अच्छा जी इसका वी बैट पहले चेक कर लो, हाँ थोड़ा जूम कर लो। चलो जी हाँ जी वी बैट जो है ना इन कंपोनेंट्स में मिलना चाहिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 थोड़ा नीचे कर लो उस साइड में, हाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 कंपोनेंट्स किस लिए लगाए गए हैं, प्रोटेक्शन के, इनके इस्लाम में वोल्टेज क्या होते हैं तो प्रोटेक्शन के लगाए। और इसके पास थोड़ा सा नीचे कर लो VIO 1.8 वोल्ट, इसको थोड़ा और चारों तरफ से देख लो कोई और वोल्टेज इन्होंने मार किया या कोई चीज, हाँ जी देखो कोई भी मार्क नहीं किया, ये दो तो आप चेक कर सकते हो। चलो ये दो चेक कर, इसमें पहले हमें ये बताओ ना, या फिर इसको जरा दिखाओ कि वी बैट कब मिलेगा, जब बैटरी कनेक्ट करेंगे वी बैट क्या जाएगी, और वी आई 1.8 ऑन करेंगे, सिम लगाने की जरूरत है, बगैर सिम के मिलनी चाहिए, अगर ना मिले तो क्या मसला है, इसीलिए काम करना है। चलो स्टार्ट कर लो, इससे भी सवाल पूछ सकते हैं इनसे। चलो अच्छा इस तरह इस जगह पे चेक करो ताकि पीछे नजर आ जाए। चलो हम यहाँ पे क्लियर करते, आप तो संभालो या हम क्लियर करते हैं। इसमें शायद किसी ने बहुत रफ काम किया है, देख रहे हो सर, पहले जरा नेटवर्क सेक्शन सारा देख लो, देख रहे हो पूरा इसके जो है ना क्या यहाँ पे देखो कंपोनेंट्स निकल गए, देख रहे हो सर, और हाँ सारा प्रोग्राम क्या इसका गड़बड़ है, यहाँ पे देखो हाँ सारे कंपोनेंट्स, यहाँ से कंपोनेंट्स गायब, यहाँ से कंपोनेंट गायब, और यहाँ से गायब, ये देख रहे हो हाँ सर। लेकिन हम क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, इस तरह नहीं है कि कंपोनेंट गायब है उसी भी लग गए। चलो 20 DC पर है, अच्छा 20 DC पे है, तो सबसे पहले वी बैट चेक कर लो, वी बैट जो है ना हमारी आएंगी इन कंपोनेंट पे, देखो डायग्राम के हिसाब से आनी चाहिए यहाँ, ये इन कंपोनेंट्स भी आई है, चलो उस साइड पे करो हमें नहीं आ रहा यहाँ पे, चलो अभी आ रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 इन सब पे आएंगे, 3.8 वी बैट आ रहा है, सही है। चलो इस पे यहाँ पे काफी है चेक करना, काफी चेक करेंगे आईसी के, आईसी तक पहुंचाएंगे सर, आज ये छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हैं उसी पे चेक कर लो इरान शाह, हाँ बिल्कुल लास्ट पे इससे आगे जो पास में लगा है इस पे, हाँ इसी पे आ रहे हैं सर 3.87, तो हमने बिल्कुल लास्ट पे चेक किया, इसके मतलब आईसी से क्या करंट है, उसके बाद 1.8 देखो 1.8 हमें मिलेगा यहाँ पे, वो भी चेक कर लो, फोन आने देखो, अगर आने मैंने तो ऑन कर लिया रखा था, अगर फोन ऑन है तो हमें 1.8 मिल जाएगा, और ना 1.8 नहीं मिलेगा, यस सर फिर सेट ऑन करना पड़ेगा सर, हां चेक कर लो ऑन है, अच्छा इसने बैटरी निकाली थी फोन, चलो इस तरह भी चेक कर सकते हो, सही है लोगों के दौरान भी आप चेक कर सकते हो, यस सर चलो नजर नहीं आ रहा, अच्छा नहीं आ रहा, वो हो जाएगा सही है, आ रहा है
यहाँ पे 1.8 आना चाहिए, 1.7 1.8 मिल रहे हैं सर, आ रहे आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है हमारी क्या है ये लाइन, ओके चलो रंशा ये तो ठीक है सही है, यस सर 1.8 भी आ रहे हैं और वी बैट भी आ रहे हैं, यहाँ पे दिखाओ थोड़ा सा, ये हो गया, ये क्या है सही है, मार्क कर दे रहा हूँ, हाँ ये भी आई ओ वाला लाइन भी ओके, ये ओके है और ये भी ओके है, अभी ये कौन से लाइन चेक करना है, अभी हम ये अगर ये दोनों भी ओके हो गए तो हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, आईसी चेंज कर लिया फिर भी नहीं हो रहे तो क्या करेंगे, आईसी के एक काम का जी हाँ और लेके दिखाया है ना, चलो बेस बैंड पे देखो, बेस बैंड के मसले में हमारे एक वीडियो आ रही है बिल्कुल खास वीडियो सही है, लेकिन वो इस तरह नहीं करेंगे, जल्दी से हमारे सब्सक्राइबर कितने हो जाएंगे 50 तो हार्डवेयर से मालूम कर सकते हैं डाटा क्लॉक, इन्होंने बिल्कुल दिखाया नहीं, पीएफ के आसपास दिखा लो, चारों तरफ दिखा लो के इन्होंने क्या किया, मार्क ही नहीं किया, थोड़ा जूम कर लो देख रहे हो, इसमें डाटा क्लॉक की लाइन में मार्क ही नहीं की सही, क्योंकि लोग इसको चेक नहीं कर सकते, चलो जी अभी इसका स्कीमेटिक्स निकालो, हाँ जी जाके स्कीमेटिक्स में लेआउट और स्कीमेटिक्स ओपन कर लो, वहां से इस ये मालूम कर सकते हो, चलो जी स्टेप बाय स्टेप करने में मजा आ रहा है ना, आगे को पता चलता है कि ये स्टेप ओके है आगे जाना है, ये क्या है ओके है आगे जाना है, चलो जी इसका ओपन कर लिया लेआउट और स्कीमेटिक्स, रंशा पहले कभी यूज किया है, ये सर पहली बार यूज कर रहा हूँ, ये दरा की अच्छा कभी नाम ही नहीं सुना था, माशाल्लाह चलो जी अभी इसका जो लाइन है वो हम इसी से मालूम करेंगे, जी सबसे पहले क्या करें लेआउट में, क्या करें लेआउट में वो आईसी का कोड कॉपी, हां 2G आईसी का कोड क्या कर लो कॉपी कर लो लेआउट में, हां जी लोकेशन पे देख लो, हां जी ऊपर कर लो, हाँ जी बिल्कुल ये हो गया हमारा 2G U4201 इसका कोड है, कॉपी कर लिया, यहाँ पे आगे क्या कर लिया पेस्ट करेगा, हाँ जी ये आ गया हमारा 2G सही, चलो एक नंबर पॉइंट से शुरू करो, हाँ जी एक नंबर ऊपर करो ऊपर ऊपर, हाँ जी एक नंबर पॉइंट से शुरू करो देखो सही है, हाँ जी ये हो गया एक, यहाँ पे आपको सीरियल डाटा क्लॉक नजर आ रहा है नहीं, दो में है नहीं, ये हाई वन नंबर है लो बैंड इन और दो है हाई बैंड, अच्छा वन नंबर स्विचिंग आउट है, दो नंबर लो बैंड इन, तीन नंबर हाई बैंड है और ये स्विचिंग आउट, पांच नंबर क्या है और छह नंबर, और आईसी की काउंटिंग किस तरह है क्लॉक किया, क्योंकि ये क्या है कौन सी आईसी है, चलो अभी डायरेक्ट जो है ना इसको चेक करने की जरूरत नहीं है पॉइंट पे, इस लाइन में हमारे कंपोनेंट्स दिए हुए रेजिस्टर जो कि कम वैल्यू का होता है, इस पे देख लो लोकेशन मालूम कर लो, सीरियल डाटा के मालूम कर लो, हाँ जी लोकेशन मालूम कर लो, इस पे सेम जीआर आनी चाहिए और 1.8 इसका जीआर, इसका पहले लोकेशन मालूम कर लो, चलो वहां से कोड का भी कर लिया, लेआउट में आके पेस्ट कर लिया, थोड़ा जूम कर लो, वो रहा ये आर 42 और दूसरा भी मालूम कर लो सीरियल क्लॉक वाला, दोनों एक साथ में चेक कर लेंगे, ये तो हो गया डाटा वाला, थोड़ा जूम कर लो, जूम कर लो, और ये हो गया 42-2 और 42-2 याद रखो सही है, 42-2 बिल्कुल क्या है बिल्कुल साथ, अगर यहाँ से गिनती करें ना इस तरह एक दो रजिस्टर लगे एक का पिछला, उसके बाद एक कॉइल नॉर्मल लगा है देख रहे हो L42-40 उसके ऊपर हमारा जो हो गया डाटा वाला उसके बाद क्लॉक वाला, चलो चेक कर लो 42-2 और एक मिनट में अभी देख लेता हूँ 42-2 में से हमारे डाटा के कौन से है और क्लॉक के, अच्छा 42-2 हमारी जो है ना वो क्लॉक वाली है और 42-12 डाटा वाली, ये लिख लो कोई नोट कर लो, चलो मैं यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे लिख लो वारिस खान 42-2 हमारा क्या है क्लॉक वाला और 42-12 वाला कौन सा है डाटा वाला, लिख लिया 42-2 और 42 क्लॉक और डाटा सही, इसको हम क्यों लिख रहे हैं क्योंकि क्लॉक वाले पे हमें अक्सर क्या होना है वोल्टेज नहीं मिलती, उसको हम क्या डीएसओ से चेक करते हैं, चलो जी देख लो
वो फोन आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं सर। चलो यहाँ पे 1.8 आनी चाहिए, लोकेशन सेट करो। चलो पहले तो है ही नहीं, देख रहे हो? हाँ सर मिस है। कौन सा मिस है? 42 बयालीस दो बयालीस बारह मिस है, वोल्ट आ रहे हैं वोल्ट। अच्छा दूसरा सिरा चेक करो, दूसरा सिरा पे। हाँ जी जो निकला हुआ है ये, हाँ जी कुछ उल्टा है उस पे तो नहीं है, नहीं है, इनके बीच में क्या नहीं रजिस्टर सही है, और इसके जो ऊपर वाला है यहाँ पे नहीं, जो दूसरा हाँ जी नो वोल्टेज सर, ये लोगों के दौरान चेक कर सकते हैं। हाँ सर, और दूसरे पे आ रहे हैं ना? हाँ दूसरे पे आ रहे हैं सर। और ये कंपोनेंट्स हमारे क्या होते हैं? सीरीज सीरीज, तो इसका 2G किसी ने रिबाल किया है शायद, और रिबाल करते वक्त ये दो कंपोनेंट्स क्या है? हाँ सर सही है, ये दूसरा कंपोनेंट जो पास में लगे है वो हमारा कैपेसिटर है। यस सर, तो उसको लगाने की जरूरत नहीं, पहले इसका आप कर लो बैटरी निकाल लो, इसका जीआर ले लो, बैटरी निकाल के इसका जीआर ले लो। ये पास में जो कंपोनेंट्स है अगर ये सीरीज में लगा है तो इसको हमने क्या करना होगा, इसको ओ बी लगाना होगा। चलो अच्छा, अगर ये रेजिस्टर जो है ना हमारा मिस है, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना? क्यों क्यों डायरेक्ट कर सकते हैं? और ये साथ में जो एक और कंपोनेंट्स मिस है इसको देख लो कि सीरीज में या पैरेलल में, ब्रदर मोड पे? हाँ सर। हाँ जी जीआर है, जीआर है यहाँ पे, जीआर है। हाँ सर। दूसरे साइड बी पे, इसकी जरूरत नहीं, ये किसके लिए लगा हुआ? प्रोटेक्शन और फिल्टर के लिए। और इस पे अगर देखो जो हमारे कंपोनेंट मिस है यहाँ से, हाँ जी वैल्यू है सर, जीआर है। और दूसरे पे नहीं, हाँ उसमें भी आ रहा है सेम जीआर। हाँ तो वो जो है ना आईसी आईसी निकालेंगे तो जीआर क्या हो जाएगी, समझ में आ गया? जीआर कौन सा है? आईसी। ये हमारा क्लॉक की लाइन वाला है, डाटा की लाइन है, डाटा क्लॉक क्लॉक वाली सही है। चलो इसको कर लो जंपर, आपस इसे भी निकाल के जंपर कर लो, इस तरह कर सकते हो। अभी इस केस में अगर इसका 2G चेंज किया जाए काम करेगा? नो सर, 10 2G चेंज करो काम नहीं करेगा, सीपीयू रिबाल करो फिर भी काम नहीं करेगा, इसलिए तो ये इतने शार्प से क्या है रिटर्न है ये केस। तो चलो देखते हैं इससे मसला हल हुआ नहीं हुआ तो आगे देखेंगे, आईसी उठा के देख लेंगे सही है। सारे स्टेप तो पहले से आपको बता के रख गए हैं। चलो यहाँ पे थोड़ा सा आराम से जंपर करना पड़ेगा क्योंकि क्या है जगह थोड़े बिल्कुल छोटे है और हमारा जो बिट है वो खराब बिट है, इस पर थोड़ा सा क्या होगा गड़बड़ हो सकती है बिल्कुल। और पास वाला कंपोनेंट हमारा चूंकि बॉइल था तो उसी को क्या कर लिया जंपर कर लिया। चलो जी अभी चेक कर लो, मोबाइल हमारा 2G मोड में ही है सही है, फिर 4G मोड में लगा के भी चेक करवा देगा आपको। चलो सिम वही है, सिम निकालो, और जंपर भी वही है टीले वाला, और सिर्फ ये दो कंपोनेंट लगा रही है। ये हमारा कौन सा डेटा लाइन था? क्लॉक लाइन था जी, क्लॉक वाला लाइन। अच्छा ये मिस था तो इसी को जंपर कर लिया, और ये हार्डवेयर सॉल्यूशन से मालूम नहीं हो सकता, डाटा क्लॉक की लाइन आपको जनरल स्कीमेटिक्स में ही मिलेंगे। अभी देखते हैं 2G के आनी चाहिए सिग्नल, अगर नहीं आए तो फिर आगे इस पे काम करेंगे और आईसी उठा के देख लेंगे, या आईसी के हर एक पिन का जीआर लेंगे या आईसी चेंज कर लेंगे, सैंपल से स्टेप है हमारे पास। और अभी ये 2G मोड में है, देखते हैं कि सिग्नल आते हैं कि नहीं, उसके बाद 4G में भी लगा के देख लेगा। चलो जी अभी फिलहाल तो नहीं आए, वेट कर लेते हैं, हाँ इस तरह वेट कर लो, क्योंकि क्या हुआ इसका पीछे बैग भी नहीं है ना, तो एंटीना यहाँ पे सिग्नल भी थोड़ी वेग है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हाँ जी सिग्नल आ गए, ऊपर से दिखाओ, ये देखो इसके 2G सिग्नल क्या हो गए आ गए। चलो और यहाँ से 4G मोड भी लगा लो, 4G भी कर लो। चलो जी 4G में भी ट्राई कर लो, ऊपर 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 नेटवर्क, हाँ सही है, एडवांस पे क्लिक कर लो, हाँ अभी ऊपर ये
यहाँ से 4G भी कर लेंगे, 4G भी कर लिया, अभी फिर भी देखो सिग्नल 4G में भी आ रहे हैं। चलो जी, ओ खुशी हुई ईरान शाह जी, बहुत खुशी हुई। अच्छा जी, ये ईरान शाह का से फोन था, आप इसी के हाथों से रिपेयर करवाया, और देखो सिंपल सा यही है, सही है, यही स्टेप है। आप 2G पे ट्राई कर लो, 3G पे, 4G पे ट्राई कर लो, सही है। और उसके बाद कौन सी आईसी में मसला है, उसके कौन कौन से पॉइंट को चेक करना है, सबसे पहले बेड चेक कर लिया, उसके बाद इसके वन पॉइंट एट चेक कर लिया, उसके बाद डाटा क्लॉक की लाइन चेक कर ली, तो खुशी हुई राम शाह जी, बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके हमको स्टेप बाय स्टेप समझाया गया। सिग्नल का सेक्शन पड़ा था तो उससे हमें मालूम हुआ कि इसकी चीटिंग करेंगी, इसकी कौन सी लाइन ब्रेक है या कौन सी लाइन नहीं आ रही। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी काम क्लियर हो गया, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।